नल तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो भाई लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी भर्ती एआरओ शिमला की तरफ से जो कंडक्ट करवाई जा रही है, जो कि आज से शुरू हुई है, उसमें कितना टाइम दिया गया, कितने का बैच बना है, क्या क्या उसमें चीज़ें रही, आज क्या क्या वहाँ हुआ, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। एक बैच से कितने कितने लड़कों को उठा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है रामपुर बुशहर में ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, क्योंकि मेरे भाई ने भी यहाँ जो है आज ही ग्राउंड निकाला है, तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी डाउट क्वेरीज होगी वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के अपडेट आपको इस चैनल पर हमेशा देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लोग मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ हमेशा 4 राउंड ही लगते थे, लेकिन इस बार यहाँ ग्राउंड में आपके 5 राउंड लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको इस ग्राउंड के, ये जो आप स्क्रीन पर ग्राउंड देख पा रहे हैं, इसके आपको 5 राउंड लगाने हैं। 150-150 का बैच बन रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में चले जाते हो सुबह सुबह तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरा भाई बिल्कुल लास्ट बैच में दौड़ा था और वो बैच थोड़ा ज़्यादा हो गया था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 200 के आसपास वो बैच था। ठीक है, तो और वो जो बैच दौड़ा था वो 12:15 के करीब दौड़ा था। तो आप सभी को बता देता हूँ कि जैसे 12:15 एक बजे तक एनर्जी भी डाउन हो जाती है, तो आप सभी को मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ही अपना नंबर आप लगा दीजिए, वहाँ अच्छे से खड़े हो जाइए लाइन में, और सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जब आपका अच्छा वेदर रहता है, ठंडी ठंडी धूप रहती है, तभी आप अपना ग्राउंड क्लियर कर लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आपके स्टेमिने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं कितने कितने लड़के वहाँ से उठाए जा रहे हैं। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, 150 का बैच बन रहा है नॉर्मली, और उसमें जो है 8, 10, 9, 10, 12, 15, 17 इस तरीके से लड़के उठाए जा रहे हैं, जिसमें आपके एक्सीलेंट में 2-4 ही लड़के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, जिस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, बाकी गुड में आपके 10 से 12 लड़के ले लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट है। ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा टफ है। टाइमिंग की बात करूँ मैं आपको, तो 5:40, 35, 45 इस तरीके का टाइम मिल रहा है, लेकिन 5 राउंड है और काफ़ी टफ हो जाता है ग्राउंड निकालना। तो आप अपने, आई होप कि आप सभी ने अच्छे से मेहनत की होगी। अगर आपकी अभी भी कोई डाउट क्वेरीज होती है, डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपकी और भी कोई डाउट क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आई होप कि आपका ग्राउंड हो जाएगा क्लियर। बाकी इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलेंगे किसी और अपडेट से। जय हिंद, जय भारत।